अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आज है रमज़ान। तो रमज़ान का आज पहला दिन है, सो आई थॉट कि मैं व्लॉग कर लूँ एंड या और दिखा दूँ कि एक नॉर्मल डे इन रमज़ान कैसा जाता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग कर लूँ। सो अभी मैं फटाफट से सहरी कर लेती हूँ और उसके बाद सबको उठा देती हूँ, वरना फिर सहरी में देरी हो जाएगी और फिर टाइम नहीं बचेगा खाने, एंड देन वी विल कंटिन्यू द व्लॉग। अजान के बाद फजर की नमाज पढ़ के फिर सोना है। सो मैं इसके लिए वेट करूँगी, तब तक मैं फ़ोन यूज़ करूँगी और पानी पियेंगे बहुत सारा और फिर सो जाएंगे। सो डन विद द नमाज एंड सहरी और अभी वह जुड़ में कितना जो 6:30 मेरे यहाँ तो सब सो गए, सिर्फ मैं अकेली जाऊँगी। अब मैं भी सो जाऊँगी, कुरान में तो फैर को पढ़ लूँगी। अब ये लोग काम पे जाते हैं, वो लोग तो जल्दी उठ के काम पे चले जाएंगे बेचारे। आज तो संडे, आज ही मतलब कल, मतलब आज संडे, लेकिन जो काम पे जाते हैं वो कल काम पे जाएंगे। तो मैं तो घर पे रहती हूँ, तो मोस्टली मैं दोपहर तक सोती रहती हूँ। फिर उठने के बाद जोर पढ़ के देन फिर अब मैं उठूँगी दोपहर को डायरेक्ट, बिकॉज कुछ करने को है नहीं। सो ये करेंगे बिकॉज मैं घर पर रहती हूँ। सो मैं अभी उठी हूँ, पूरी दोपहर में सोई थी, लिटरली पूरी दोपहर। मैं जो सुबह सहरी करके सो हूँ, अब मैं डायरेक्ट अभी उठी हूँ और अभी बज रही दोपहर के 4:30। बिल्कुल पूरा दिन सोई हूँ मैं। अभी थोड़ी देर में इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मैं अभी पहले असर पढ़ूंगी और फिर बस इतना ही और कुछ नहीं। सो अभी इफ्तारी की तैयारी हो रही है और ये रहे चने उबले हुए और यहाँ पे मूंग दाल, ये पटाटे के भजिए बनाने के लिए रखा हुआ है, ये मूंग दाल के भजिए बनाने के लिए रखा हुआ है और यहाँ उसका कांदा कटा हुआ है। अब बस फटाफट ये सब बनेगा, फिर हम चूसेंगे। ये रहे मेरे अब्बा इफ्तारी बनाते हुए, क्योंकि मेरी मम्मी बाहर भी गई है और संडे को वैसे भी इनकी टर्न होती है, तो यही बना रहे हैं आज। इट्स प्रेयर टाइम मगरिब का, भी फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर कॉफ़ी पियेंगे, फिर आराम से बैठूंगी। कुरान वगैरह खुल चुका है और अभी नमाज भी पढ़ ली है, कुरान भी मैंने पढ़ ली है, तो
तो अभी मैं कॉफ़ी बना रही थी। ऐसे बहुत लोग को लगता है कि हम लोग पूरा महीना कुछ नहीं खाते, बट जो मगरिब के बाद है उसके बाद हम लोग सहरी तक कुछ भी खा सकते हैं। तो अभी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, कॉफ़ी बन जाएगी तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी या देन उसके बाद खाना खाऊंगी। अगर भूख रही तो मैं तो नहीं खाती हूँ, मेरे घर वाले खाते हैं क्योंकि मेरा पेट भर जाता है ये इफ्तारी से ही। सो वही, और उसके बाद ईशा पढ़ के सो जाऊंगी। बहुत लोग तरावी भी पढ़ते हैं बट मैं तरावी नहीं पढ़ती बिकॉज साथ में पढ़ने वाला कोई है नहीं और मुझे आती भी नहीं है। गलती से हो गया, सॉरी। ईशा पढ़ूंगी फिर ये लोग खाना खाएंगे, मैं नहीं खाती क्योंकि मेरा पेट भर जाता है। सो या आई होप के सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा इनसाइट पता चला हो कि एक्चुअली रोजा डे कैसा होता है या कैसे फॉलो करते हैं, पूरे दिन में क्या होता है और आपको ये पता लगा हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यू नो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम।